राम राम जी सारन है। आज हम फिर से प्रस्तुत हो चुके हैं एक और वीडियो के साथ। तो अगर आपको यह गांव की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतवर्ष के हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत व खंड कथूरा के गांव रिढ़ाना की जानकारी। गांव रिढ़ाना का विलेज कोड 0596 54 है। गांव से तनाना रास्ते पर यह रिढ़ाना गांव का MRN पब्लिक स्कूल है। गांव रिढ़ाना में माता शीतला मंदिर, बाबा सरभंगी महाराज जी का डेरा, कच्ची माता का मंदिर व शिव मंदिर ऐतिहासिक स्थल हैं। रिढ़ाना गांव में शिक्षा के लिए राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी बना हुआ है। यह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का मुख्य द्वार है। विद्यालय से दूसरी ओर विद्यालय का खेल मैदान है। यह रिढ़ाना गांव का पशु चिकित्सालय है जो कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के साथ में ही बना हुआ है। गांव का नाम रण में डाणा यानी के किसी भी लड़ाई में विजयी होने से रिढ़ाना पड़ा है। आज के दिन इस गांव को खिलाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की यह जानकारी बहुत ही रोचक होने वाली है, तो आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। तो सबसे पहले हम आपको माता शीतला मंदिर के दर्शन व जानकारियां देते हैं। यह शीतला माता मंदिर का मुख्य द्वार है। बताया गया है कि माता शीतला मंदिर की ऊंचाई लगभग 200 फीट है। इस स्थान पर हवन संपन्न किए जाते हैं। इस मंदिर में वर्ष भर में 2 मेले लगते हैं। तो आइए हम आपको मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाते हैं। मंदिर के प्रवेश पर एक और श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। वह दूसरी ओर श्री भैरवनाथ बाबा जी की मूर्ति स्थापित की गई है। तो चलिए अब हम आपको इस मंदिर के अंदर का पूर्ण दृश्य दिखाते हैं।
मंदिर के अंदर माता शीतला जी के साथ नवदुर्गा माता की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। मंदिर के अंदर एक और शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। शीतला माता मंदिर के साथ में ही बाबा रखीराम जी का मंदिर भी बना हुआ है। यह शीतला माता मंदिर का आवासीय स्थान है। यह शीतला माता मंदिर के साथ में एक तालाब है। इस तालाब के अंदर घाट के रूपी दीवारें हैं जो कि प्राचीन समय की हैं, जो छोटी ईंटों से बनी हुई हैं। यह माता शीतला मंदिर के सामने का नज़ारा है। यह बाबा सरभंगी महाराज जी का डेरा है जिसका निर्माण कार्य चला हुआ है। गूगल बाबा के अनुसार गांव का यह डेरा लगभग 300 वर्ष पहले का है और गांव के लोगों द्वारा बताया जाता है कि यह डेरा लगभग 1500 वर्ष पहले से है। मंदिर के अंदर बाबा सरभंगी महाराज जी की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर के अंदर शिवलिंग भी स्थापित किया गया है।
रिडाना गांव जुलाना से गोहाना रास्ते पर बसा हुआ है। बताया जाता है कि यह गांव आज से लगभग 1500 वर्ष पहले ददरेड़ा राजस्थान के एक गांव से आकर बसा है। जनगणना के अनुसार इस गांव की जनसंख्या लगभग 6190 है। गांव रिढाना में 36 बिरादरी के लोग आपस में भाईचारे, सहयोग व सहप्रेम के साथ रहते हैं। गांव रिढाना हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत व खंड कथुरा का एक गांव है, जिसकी खंड कथुरा से दूरी लगभग 12 किलोमीटर व जिला सोनीपत से दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। यह गांव राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से लगभग 198 किलोमीटर व देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं रिढाना गांव के माता सती मंदिर की ओर। यह रिढाना गांव का माता सती का मंदिर है। रिढाना गांव का सबसे नजदीकी शहर जुलाना है। रिढाना गांव से जुलाना की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। रिढाना गांव का पिन कोड 131304 है। जुलाना से गोहाना रास्ते पर गांव में यह कीचड़ की मुख्य समस्या है, जिसका समाधान अनिवार्य है। इस कीचड़ के साथ ही में एक और गांव का गौरवपट व विकासपट बना हुआ है। इस गांव में दो सरपंच बनाए गए हैं और सरपंच से यही उम्मीद है कि यह कीचड़ जल्द से जल्द समाप्त हो। गांव रिढाना से गांव गढ़वाल, बोर्ड, छपरा, धनाना, लजवाना कला, बनवासा, निजामपुर, कथुरा, कल्पा, बंडेरी, मदीना, उलाना आदि जो लगभग 5 से 12 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यह रिढाना गांव का एक जोड़ है जो
मुख्य रास्ते के साथ में है। यह रिडाना गांव का बारूराम खेल स्टेडियम है। इससे दूसरी ओर बारूराम लड़कियों के लिए खेल स्टेडियम बना हुआ है। रिढाना गांव को खेल कबड्डी के नाम से जाना जाता है। इस गांव के नाम का डंका खेलों में, सेना में व अन्य जगह पर भी बजता है। आइए अब हम आपको इस गांव के शिव मंदिर की ओर ले चलते हैं। यह रिढाना गांव के शिव मंदिर का मुख्य द्वार है। शिव मंदिर की दीवारों पर हमारे पवित्र ग्रंथों का वर्णन किया गया है। मंदिर के साथ एक कुआं बना हुआ है और इसके दूसरी ओर एक तालाब भी है। यह शिव मंदिर के अंदर बना श्री हनुमान जी का मंदिर है।
यहाँ पर श्री शनिदेव जी का मंदिर बनाया गया है। इस ओर शिव की सुंदर प्रतिमा बनाई गई है और इसके साथ ही में चंदन के पेड़ भी लगाए गए हैं। यह श्री श्री 1008 बाबा प्रेमदास जी महाराज की गद्दी के निर्माण में दानवीरों की सूची है। ये श्री बाबा सीताराम जी हैं जिन्होंने इस मंदिर की जानकारी से हमें अवगत कराया। हमें बताया गया कि बाबा प्रेमनाथ जी को असम हिमाचल प्रदेश तक जाना जाता है। यह बाबा प्रेमनाथ जी का जीवन परिचय है। यहाँ पर बाबा प्रेमनाथ जी की गद्दी व दोना सतल है। यहाँ पर पूजनीय सुश्री माता जानकी जी की मूर्ति भी लगी हुई है। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर भी बनाया गया है। यह परम पूज्य श्री श्री सिद्ध योगी गुरु प्रेमदास जी महाराज का समाधि स्थल है। यह शिव मंदिर की कुटिया है। शिव मंदिर के अंदर माता काली का भी एक सुंदर मंदिर बनाया गया है। शिव मंदिर के अंदर नंदी जी का बहुत ही सुंदर प्रतिरूप बनाया गया है। यह शिव मंदिर के अंदर का सुंदर दृश्य है। शिव मंदिर के अंदर ऊपरी भाग में भी बहुत ही सुंदर चित्र
बनाए गए हैं। रिढाना गांव में पशु चिकित्सालय, आंगनवाड़ी केंद्र व ग्राम पंचायत घर भी बने हुए हैं। यह गांव का एक और अन्य तालाब है। रिढाना गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी व पशुपालन है। रिढाना गांव के दोनों ओर खेती की सिंचाई के लिए नहरें हैं। जो कि जुलाना की ओर भिवानी ब्रांच और गोहाना की ओर कहनौर ब्रांच है। यह रिढाना गांव का बस स्टॉप है। यहाँ पर सभी प्रकार की दुकानें भी बनी हुई हैं। यह रास्ता गोवाना की ओर जाता है व यहाँ से दाहिनी ओर जाने वाला रास्ता गढ़वाल की ओर जाता है। गांव रिढाना में स्वतंत्रता सेनानी श्री जयलाल नरवाल जी हुए, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से गांव व देश का नाम रोशन किया। यह रिढाना गांव से नहर का दृश्य है। यह रास्ता रिढाना बस स्टैंड से दनाना लाखनवाजरा की ओर जाता है। रिढाना गांव के नज़दीकी रेलवे स्टेशन किला जफरगढ़ व लाखनवाजरा है। गांव रिढाना में महान विभूतियां मेजर जनरल प्रताप सिंह नरवाल, लॉन्स नायक सौ श्री ईश्वर सिंह सिंगरवा हुए, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से गांव व देश का नाम रोशन किया। इस रास्ते पर एक तालाब, पशु चिकित्सालय व वाटर बूस्टिंग पॉइंट हैं। रिढाना गांव से जिला जींद की दूरी लगभग 42 किलोमीटर, जिला रोहतक की दूरी लगभग 33 किलोमीटर व जिला पानीपत की दूरी लगभग 61 किलोमीटर है। रिढाना गांव से तहसील लाखनवाजरा की दूरी 11 किलोमीटर, तहसील पिल्लूखेड़ा की दूरी 30 किलोमीटर, तहसील मुडलाना की दूरी 31 किलोमीटर, तहसील जुलाना की दूरी 14 किलोमीटर व तहसील गोहाना की दूरी लगभग 19 किलोमीटर है, जो कि रिढाना गांव के चारों ओर
स्थित हैं। यह गांव के अंदर बना एक माता का मंदिर है। रिडाना गांव के नज़दीकी नेशनल हाईवे 709 बी, नेशनल हाईवे 352 ए हैं। गांव रिडाना से जिला भिवानी की दूरी लगभग 58 किलोमीटर है। गांव रिडाना से अन्ना रेलवे स्टेशन गोहाना रेलवे स्टेशन लगभग 19 किलोमीटर, जींद रेलवे स्टेशन लगभग 34 किलोमीटर व रोहतक रेलवे स्टेशन लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। रिडाना गांव से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की दूरी लगभग 96 किलोमीटर, मुजफ्फरनगर एयरपोर्ट की दूरी लगभग 131 किलोमीटर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट की दूरी लगभग 194 किलोमीटर, देहरादून एयरपोर्ट की दूरी लगभग 231 किलोमीटर है। आज की यह वीडियो बनाने में हमारा रिडाना गांव के सरपंच व ग्रामवासियों ने पूरा सहयोग किया, इसके लिए हम उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम भाई जगदीश नरवाल व नवीन नरवाल का स्पेशल थैंक्स करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें यह जानकारियाँ पॉसिबल कराई। यह रिडाना गांव का दादा खेड़ा मंदिर है। रिडाना गांव की माटी में अनेकों खिलाड़ी पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से गांव व देश का नाम रोशन किया है। रिडाना गांव एक ऐतिहासिक गांव है। तो आज की रिडाना गांव की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और जो ऐसी ही गांव की जानकारियां देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम मिलते हैं आपसे किसी अन्य गाँव की जानकारी के साथ। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यहाँ पर माता रानी का एक और मंदिर बना हुआ है। माता रानी का एक मंदिर यहाँ पर भी है। यह रिडाना व दनाना गांव का जलघर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अन्य गांव की जानकारी के साथ। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।